हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटोरियल इंसाइट्स, वेर वी हेल्प यू इंप्रूव योर वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स विद द हेल्प ऑफ एडिटोरियल्स, एंड वी डिस्कस दीज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एट 10 AM। तो आगे बढ़ने से पहले, इंडिपेंडेंस डे सेल अभी भी चल रही है, तो आप डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं। अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं IND30, तो आप कंप्लीट बैंकिंग वीडियो कोर्स पे 30% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, और PM प्राइम एंड PM परफेक्ट सब्सक्रिप्शंस पे भी 30% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आज जो हम एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं वो है रिस्की रिकोर्स। ये अभी जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी अगस्त में, उसके ऊपर है। तो हर दो महीने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, तो उसमें जो डिसीजन लिया गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, ठीक है, उसके ऊपर ये एडिटोरियल है। तो आप एक बार क्विकली इसको रीड कर लो, फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके। सो द लेटेस्ट डिसीजन बाय द RBI, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, टू लीव इट्स पॉलिसी रेट्स अनचेंज्ड इज अ कैलकुलेटेड रिस्क टेकन बाय द रेट सेटिंग पैनल, स्पेशली व्हेन व्यूड इन लाइट ऑफ द अपवर्ड रिविजन ऑफ इट्स इन्फ्लेशन फोरकास्ट। तो अब यहाँ पर हमें पहले थोड़ा सा समझना होगा कि जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो उसका क्या रोल होता है। तो उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। उसमें जो RBI गवर्नर, ठीक है, RBI डेप्यूटी गवर्नर, जिसमें उनके पास वो डेप्यूटी गवर्नर जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, प्लस 1 मोर मेंबर होते हैं। तो ये RBI से 3 मेंबर्स होते हैं, और 3 मेंबर्स जो हैं वो कौन नॉमिनेट करते हैं? नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है 3 एक्सपर्ट्स, एक्सटर्नल एक्सपर्ट। तो 6 मेंबर मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड्स करती है क्या? वो डिसाइड करती है बेंचमार्क रेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं बेंचमार्क रेट्स, तो बेंचमार्क वर्ड का मतलब क्या होता है? कोई स्टैंडर्ड जिससे सब कोई कंपेयर करते हैं। बेंचमार्क रेट्स यानी कि वो ये रेट्स डिसाइड करता है RBI, और उन रेट्स के अकॉर्डिंग फिर बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बेंचमार्क रेट्स में कोई चेंज आता है, तो फिर आप जो लोन लेते हैं या फिर जो आपने डिपॉजिट किए मनी बैंक में, तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट आपको मिलता है वो अफेक्ट होता है। अब ऐसा क्यों करना चाहेगा RBI? क्यों वो इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जो RBI एक्ट 1934, तो वो अमेंड हुआ था 2016 में, जिसमें ये RBI का फंक्शन ये ऐड कर दिया गया। ये फंक्शन है RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, कि उन्हें इन्फ्लेशन को टारगेट करना है, ठीक है, इन्फ्लेशन को टारगेट करना है। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये जो 2016 में अमेंडमेंट हुआ था, ये इसको अलग से लिख देते, 2016 में अमेंडमेंट हुआ था, तो उसके अंडर बनाई गई, और उनका रोल है कि इन्फ्लेशन को एक टारगेट रेंज में रखना है। तो अभी जो टारगेट है वो है 4% प्लस माइनस 2%, यानी कि 4% से 2% ऊपर या 2% नीचे, यानी कि 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन हो सकती है। तो उस इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए, कि इन्फ्लेशन इसी रेंज में रहे, जो RBI है वो बेंचमार्क रेट्स को बढ़ाता या कम करता है, ठीक है। अब इन्फ्लेशन होती है महंगाई, अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी वो भी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है, बहुत कम इन्फ्लेशन होगी तो वो भी अच्छे नहीं है, ठीक है। तो जब भी इन्फ्लेशन होने लगती है, बढ़ने लगती है महंगाई, तो महंगाई कब बढ़ेगी? जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा है। और अब RBI लोगों के पास पैसा कैसे कम करेगा, ठीक है, वो जो है बेंचमार्क रेट्स को इनक्रीज़ कर देगा। अगर बेंचमार्क रेट्स इंक्रीज होते हैं, तो बैंक्स के जो लेंडिंग रेट्स होंगे वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब आप लोन लेने जाएंगे, आप कोई बिजनेस है, आप बिज़नेस रन करते हैं और आप लोन लेने जाते हैं, तो अब आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो आपके पास कम मनी होगी। ऐसे ही कोई अगर होम लोन लेना चाहते हैं, कोई कार लोन लेना चाहता है, तो वो अब क्या होगा, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस लोन पे, ठीक है। तो हो सकता है वो डिसीजन पोस्टपोन कर दे, ठीक है, नहीं तो अगर वो लोन अवेल करता भी है हायर रेट्स पे, तो जो अमाउंट ऑफ मनी है पब्लिक के पास इन जनरल, वो कम होगा,
इस अमाउंट ऑफ मनी को हम कहते हैं लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाता है कि पब्लिक के पास लिक्विडिटी कम हो तो इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होते हैं। अगर इसका उल्टा होगा, अगर जो है लोगों के पास कम है मनी, ठीक है, तो क्या होगा कि अब ग्रोथ इंक्रीज़ करनी है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा बिजनेसेस लोन लें, ज़्यादा कंपनीज इस्टेब्लिश हों, ठीक है, हम चाहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े हमारे कंट्री में, तो हम क्या करेंगे, हम फिर बेंचमार्क रेट्स को इंक्रीज़ नहीं करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। तो जब बेंचमार्क रेट्स डिक्रीज़ होंगे, ठीक है, इसको अलग कलर से लिख देते हैं, तो जब बेंचमार्क रेट्स डिक्रीज़ होंगे, ठीक है, तो लेंडिंग रेट्स भी डिक्रीज़ हो जाएंगे। और इसका लिक्विडिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर लेंडिंग रेट्स डिक्रीज होंगे तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये इस कलर से आप देख सकते हैं, ओके, तो ओके, तो ये है। तो अब हमने बहुत बहुत बेसिक लेवल पे अभी समझा है, ताकि हमें एडिटोरियल समझने में आसानी रहे। हम अभी आरबीआई का स्ट्रक्चर या मॉनेटरी पॉलिसी का फंक्शन नहीं समझने की कोशिश कर रहे, हमें एडिटोरियल समझ रहे हो। इसके बेसिस पे हम काफ़ी चीज़ें हम समझ पाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स होंगी वो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी अगस्त में, तो उसमें पॉलिसी रेट्स को अनचेंज रहने दिया गया, यानी कि कोई चेंज नहीं किया गया, ना उन्हें बढ़ाया गया ना कम किया गया, ठीक है। और इसको कहा जा रहा है कि ये एक रिस्क है। रिस्क क्यों है, क्योंकि आप सबने सुना होगा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। अभी रिसेंटली टमेटो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, तो इन्फ्लेशन जब इंक्रीज़ होता है, अभी हमने क्या देखा था, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, हम चाहते हैं कि जो है जो लोगों के पास अमाउंट ऑफ मनी है वो कम हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओके, यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा, एक सेकेंड, ठीक है। अगर हम चाहते हैं लिक्विडिटी कम करनी है, ठीक है, हम चाहते हैं लिक्विडिटी कम करनी है, तो यानी कि इन्फ्लेशन कम करनी है, महंगाई कम करनी है, तो हम चाहते हैं लोगों के पास कम पैसा हो हाथ में खर्च करने के लिए। अगर लिक्विडिटी कम करनी है तो फिर इंटरेस्ट रेट्स को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो फिर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, लेकिन अभी आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स नहीं इंक्रीज़ किए हैं, बेंचमार्क रेट्स, ओके, ठीक है। तो इन इंटरेस्ट रेट्स की बात हो रही थी, तो इन व्यू ऑफ द अपवर्ड रिविजन ऑफ इट्स इन्फ्लेशन फोरकास्ट, कि आरबीआई ने खुद अभी फोरकास्ट किया था, यानी कि जो आने वाले मंथ्स में आरबीआई का कहना है कि जो महंगाई है वो बढ़ेगी, तो अपवर्ड रिविजन, यानी जो पहले प्रिडिक्शन की गई थी कि यह अनुमान लगाया जा रहा था कि महंगाई इतनी होगी, उससे ज़्यादा महंगाई होगी, ये आरबीआई ने खुद कहा है, लेकिन फिर भी रेट्स को अनचेंज्ड छोड़ा गया है, ठीक है। ये इसके पीछे बहुत रीजंस होते हैं, तो वो हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे। तो मेनली हमने ये समझा कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लेकिन अभी आरबीआई ने रेट्स को चेंज नहीं किया, इंक्रीज नहीं किया है। बेयरली टू मंथ्स आफ्टर प्रोजेक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन टू एवरेज 5.1% ओवर द करंट फिस्कल ईयर एंडिंग इन मार्च 2024, द एमपीसी हैज रेज्ड इट्स फोरकास्ट फॉर द एनुअल एवरेज बाय 30 बेसिस पॉइंट्स टू 5.4%। अब यहाँ देखो कि दो महीने पहले जो आरबीआई ने कहा था कि जो महंगाई होगी वो 5.1% होगी। जो हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, हम तब बात कर रहे होते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, ठीक है। एक और इंडेक्स भी होते हैं, जैसे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। तो जो इन्फ्लेशन जिसको टारगेट करता है आरबीआई, वो WPI नहीं है, वो है CPI, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये माना जा रहा था कि 5.1% होगी इस फिस्कल ईयर में, जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अप्रैल 2023 से मार्च 2024 में चल रहा है, तो उसमें 5.1% रहेगी। और ये रेंज में, याद करो कितना रेंज था, 4% प्लस माइनस 2%, यानी कि 2% से लेके 6% के बीच में इन्फ्लेशन होनी चाहिए। तो आरबीआई की प्रोजेक्शन थी कि इन्फ्लेशन 5.1% रहेगी, ठीक है। लेकिन अब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसने जो है फोरकास्ट कि कितनी इन्फ्लेशन रहेगी आने वाले मंथ्स में, उसको एनुअल एवरेज, तो उसको बढ़ा दिया है 30 बेसिस पॉइंट से। तो पहले 5.1 थी, अब 5.4 हो गया। अब आप सोचोगे कि 5.1 थी तो 30 कैसे इंक्रीज हुआ। देखो, 1% में 100 बेसिस पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 5.1%,
5.1%, यानी कि इसका मतलब क्या है, 5.10%, ठीक है, कितने 5% एंड यहाँ पर है 10 basis points, अगर इसमें 30 basis points का इंक्रीज़ होगा तो 5.4% हो जाएगा, तो ये 5.4% होगा। तो याद रखना है कि बेसिस पॉइंट मीन्स कि 1% में 100 basis points होते हैं। तो जब आरबीआई के ये फोरकास्ट है कि इस ईयर जो इन्फ्लेशन रहेगी वो 5.1 नहीं अब 5.4% रहेगी, कंसीडिंग दैट अ स्पाइक इन टोमेटो प्राइसेस हैड कंट्रीब्यूटेड टू अ शॉक दैट हैड फोर्स्ड अ रिविजन इन द हेडलाइन इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन फॉर द जुलाई टू सितंबर क्वार्टर बाय सब्सटैंशियल 100 basis points टू 6.2%। तो अब ये कंसीड किया, ये माना आरबीआई ने, ये एक्सेप्ट किया कि जो टोमेटो प्राइसेस स्पाइक हुए थे, बढ़ गए थे, उन्होंने ही कंट्रीब्यूट किया, उन्हीं की वजह से जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है यानी कि जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, उसके जो प्रोजेक्शन है, उसकी जो फॉरकास्ट की जा रही है, वो उसका जो अनुमान लगाया जा रहा है वो जुलाई से सितंबर के बीच में कितना रहेगा, उसे बढ़ाना पड़ा। पहले माना जा रहा था कि 5.2% रहेगा इस क्वार्टर में, पूरे साल की बात नहीं हो रही, अब क्वार्टर की बात हो रही है, जुलाई टू सेप्टेम्बर, ठीक है, 3 महीने का पीरियड। तो पहले माना जा रहा था 5.2% रहेगा, लेकिन अब उसे बढ़ा के इस 3 महीने में कितनी इन्फ्लेशन होगी, 6.2%। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ा इस एस्टिमेट में, ठीक है, 100 basis points से। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास एक्नॉलेज दैट वाइल द लाइकली शॉर्ट टर्म मेजर नेचर ऑफ दीज शॉक्स अलाउड फॉर पॉलिसी मेकर्स टू लुक पास्ट अ कपल ऑफ हाई इन्फ्लेशन प्रिंट्स, frequently recurring food price shocks risk destabilizing inflation expectations। तो अब यहाँ पर हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात हो रही है। इन्फ्लेशन देखो, सिर्फ फूड इन्फ्लेशन ही नहीं होती है, ठीक है, क्रूड ऑयल, ऑयल का प्राइस कितना बढ़ रहा है, और भी बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। तो इन्फ्लेशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ फूड इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी तो ओवरऑल इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी ये शॉर्ट टर्म है कि जो टोमेटो प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, कुछ ही टाइम के लिए बढ़े हैं, तो इसी की वजह से जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इसको एक तरीके से ज़रूरी नहीं कि इसको बहुत ज़्यादा टैकल करने की ज़रूरत है, या इसी की वजह से जो है इंटरेस्ट रेट्स में चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है। लेकिन अगर ये इस तरह के जो जो इंसिडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, फ्रीक्वेंटली रेकर होते हैं, यानी कि बार बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पर फूड जो आइटम्स हैं उनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये जो है ये फूड प्राइस शॉक्स, यानी कि फूड प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ऐसा बार बार होता है, तो ये फिर हमारे जो एक्सपेक्टेशन है कि साल में इतनी इन्फ्लेशन रहेगी उसको डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन एस्टिमेशन से ज़्यादा एस्टिमेटेड जो लेवल है उससे ज़्यादा हो सकती है अगर ऐसा बार बार होता है तो। एंड वाइल मॉनिटरी अथॉरिटीज आर राइट इन लेइंग द ओनर्स ऑन द गवर्नमेंट फॉर इंश्योरिंग टाइमली सप्लाई साइड इंटरवेंशंस टू लिमिट द सिवेरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ सच शॉक्स, अ ब्रॉडर अनमोरिंग ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी विल अंडरमाइन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो मॉनिटरी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे यहाँ पर बात हो रही है आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, तो उन्होंने कहा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले दी ओनर्स, मतलब ओनर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उनके अकॉर्डिंग जो सप्लाई साइड इंटरवेंशन है, अगर फूड की फूड जो है फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो आप उस प्राइसेस को कैसे कम करोगे, प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, लोगों के पास पैसा है, ठीक है, वो हायर प्राइसेस पे कर रहे हैं, तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप डिमांड कम करो या फिर आप सप्लाई बढ़ा दो। अगर आप सप्लाई इंक्रीज़ करते हो तो ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी फॉर एग्जाम्पल टोमेटोज़ की, तो प्राइसेस कम हो जाएंगे, या फिर आप डिमांड डिक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे डिमांड डिक्रीज़ होगी, अगर लोगों के पास कम पैसे होंगे, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिमांड पे इम्पैक्ट, डिमांड डिक्रीज़ कर सकता है, लेकिन सप्लाई साइड इंटरवेंशन जो सप्लाई जो फूड आइटम्स के सप्लाईज हैं वो गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इंश्योर करना, ठीक है। तो फॉर इंश्योरिंग टाइमली सप्लाई साइड इंटरवेंशन टू लिमिट द सिवेरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ सच शॉक्स, कि जो ये जैसे अभी टोमेटो प्राइसेस इंक्रीज हुए थे तो इसका जो इम्पैक्ट पड़े वो इतना सिवियर सीरियस ना हो, ठीक है, और इतने लंबे टाइम के लिए ना हो, तो सिवेरिटी एंड ड्यूरेशन उनकी कम हो, तो ये जो है ये गवर्नमेंट कर सकती है बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई, ओके। अ ब्रॉडर अनमोअरिंग ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी विल अंडरमाइन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। अगर अनमोअर होंगे, ये शिप्स के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड, जब शिप किनारे पर आता है
ठीक है, तो उसको एक रोप से बांधा जाता है किनारे पर। अगर नहीं बांधा जाएगा तो वो क्या होगा, वो ड्रिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो इसलिए शिप को बांधा जाता है, उसको बोलते हैं मूअर करना। अनमूअरिंग अप ऑफ प्राइस, अगर प्राइस मूअर्ड नहीं है, कंट्रोल्ड नहीं है, तो क्या होगा, अनकंट्रोल्ड प्राइस। तो अगर प्राइस हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उससे क्या होगा, उससे इट विल अंडरमाइन माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो हमारे कंट्री की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, माइक्रो इकोनॉमिक होता है एक लार्जर लेवल पे जब हम देखते हैं, तो वो खतरे में होगी, ठीक है, वो उसको इम्पैक्ट करेगा। अंडरलाइनिंग इट्स कमिटमेंट टू अलाइनिंग इन्फ्लेशन टू द टारगेट ऑफ 4% एंड कीपिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस एंकर्ड, द एमपीसी रीइटरेटेड बाय अ मेजॉरिटी इट्स पॉलिसी स्टैंस ऑफ स्टेइंग फोकस्ड ऑन द विथड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन। तो यहाँ पर इस अंडरलाइन किया, इस बात पर ध्यान दिलाया, इस चीज़ को हाईलाइट किया कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो कमिटेड है कि जो इन्फ्लेशन हो वो 4% पर ही हो। अभी हमने देखा था कि एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो टारगेट है वो 4% है, प्लस माइनस 2% हो सकता है। तो अभी भी उन्होंने दोबारा कहा, रीइटरेट किया, दोबारा कहा कि जो अभी भी वो फोकस्ड है कि इन्फ्लेशन 4% पर ही रहे, टारगेट पर ही हो, और वो इसी पर फोकस कर रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है कि फ्यूचर में कितनी इन्फ्लेशन होगी वो एंकर्ड रहें, यानी कि वो कंट्रोल्ड हो, वो लिमिट में हो, ऐसा ना हो कि फ्यूचर में जो इन्फ्लेशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो एंकर शिप के लिए ही वर्ड यूज़ किया जाता है। एंकर क्या होता है, शिप को एक जगह रोक देना, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ एक हैवी एंकर यूज़ होता है शिप को एक जगह रोकने के लिए। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन को एंकर करने का मतलब, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को एंकर करने का मतलब कि उनको कंट्रोल में रखना, ठीक है। तो ये एम कर रहा है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक और चीज़ कही कि इट्स पॉलिसी स्टैंड्स होता है कोई ओपिनियन, कोई पोजीशन। तो उनकी जो ओपिनियन है कि ऑफ स्टेइंग फोकस्ड ऑन द विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन, वो फोकस कर रहे हैं कि एकोमोडेशन को विड्रॉ करना है। देखो, एक होता है एकोमोडेटिव स्टैंड, एक होता है विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन। तो एकोमोडेटिव होता है जब इंटरेस्ट रेट्स को, बेंचमार्क रेट्स को कम किया जाता है, ठीक है, और विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन होता है जब इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाता है। तो ये कुछ नहीं है, जो भी हमने अभी यहाँ पर देखा था कि बेंचमार्क रेट्स को डिक्रीज या इंक्रीज करना है, उसी के लिए ये मॉनेटरी पॉलिसी में ये टर्म्स हैं। एकोमोडेशन यानी कि जो है प्राइसेस, जो रेट्स हैं उनको डिक्रीज करना, और विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन यानी कि जो बेंचमार्क रेट्स हैं उन्हें इंक्रीज करना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो अभी भी उनका ओपिनियन यही है कि या तो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उन्हें फिक्स रखा जाएगा या फिर बढ़ाया जाएगा फ्यूचर में बेंचमार्क रेट्स को। इन अ नॉड टू द एमपीसी स्टैंड्स, अब यहाँ पर बात हो रही है कि आरबीआई ने एक और स्टेप लिया, जैसे जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का स्टैंड क्या है अभी, कि विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन यानी कि या तो इंटरेस्ट रेट्स फिक्स होंगे बेंचमार्क रेट्स, या फिर वो बढ़ाए जाएंगे, अभी फिलहाल कम नहीं होंगे। तो इसी के ही इन अ नॉड मतलब सिग्नल, तो इसी को ही सिग्नल कर रहा है आरबीआई। आरबीआई ने एक डिसीजन लिया कि टेम्पररली इम्पोज्ड एन इंक्रीमेंटल 10% इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशोज बैंक्स मस्ट मेंटेन। क्या होता है कि बैंक्स की लायबिलिटीज़ होती हैं, जो भी बैंक्स की लायबिलिटीज़ क्या होती है, जो भी आपने डिपॉजिट्स बैंक में किए हैं, अगर आप अपना मनी विड्रॉ करने के लिए जाते हैं, आपको अचानक से 1,00,000 रुपए की ज़रूरत पड़ती है, तो बैंक को वो डिमांड पर ही वो जो है मनी आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो अब अगर एक लार्ज नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स बैंक्स पहुंच जाते हैं अपना पैसा निकालने के लिए, तो ऐसा नहीं होता कि बैंक वो सारा पैसा अपने पास रखता है, ठीक है, वो बैंक बाकी लोगों को लोन पर भी देता है, तो सब लोग एक साथ पहुंच जाए तो बैंक जो है सबके पैसे वापस नहीं कर सकता, रिटर्न नहीं कर सकता। तो इसलिए आरबीआई ने एक सीआरआर कैश रिजर्व रेशो कि कितना परसेंट उनकी जो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ हम कहते हैं, यानी कि आप उसको सिंपली समझिए कि कितना बैंक को पैसा रिटर्न करना है, ठीक है, तो उसका एक परसेंटेज उन्हें आरबीआई के पास रखना होता है, ताकि अगर डिपॉजिटर्स अपना पैसा वापस लेने के लिए आए तो बैंक्स वो रिटर्न कर सकें। तो उसके अंदर एक इंक्रीज़ कर दिया गया है कैश रिजर्व रेशो में, इंक्रीमेंटल यानी 10% एक इंक्रीज़ किया गया है। ये मई से लेकर जुलाई के बीच में जितना भी एक्सेस मनी आया है बैंक में, एक्सेस डिपॉजिट्स हुए हैं, उनके ऊपर लगाया गया कि उसका 10% बैंक्स को आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होगा।
ये क्यों किया गया, क्योंकि अभी 2000 रुपीस रुपी का जो नोट था वो डीमोनेटाइज हुआ था, तो वो डिपॉजिट हुए हैं, तो यानी कि लार्ज नंबर ऑफ डिपॉजिट्स हुए हैं बैंक में, और जब बैंक्स में ज़्यादा डिपॉजिट्स हो रहे हैं तो लिक्विडिटी ज़्यादा है सिस्टम में, यानी कि मनी सप्लाई ज़्यादा है, और अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। तो उस मनी सप्लाई को कम करने के लिए आरबीआई ने ये कहा है कि जितने भी जो एक्सेस डिपॉजिट्स हैं मई से लेकर जुलाई के बीच में, उसका 10% जो है बैंक्स को आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा एज सीआरआर। तो इसको इंक्रीमेंटल सीआरआर कहा गया है, ठीक है। बैंक्स मस्ट मेंटेन विद अ व्यू टू ड्रेनिंग सम ऑफ द सरप्लस लिक्विडिटी। तो जो भी एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है, ज़्यादा मनी सप्लाई है, उसको ड्रेन करना, यानी उसको कम करना है, ठीक है, इन द बैंकिंग सिस्टम, दैट कुड स्पर प्राइसेस। क्योंकि अगर सरप्लस लिक्विडिटी होगी तो स्पर यानी कि बढ़ाना, तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो इसीलिए उसको कंट्रोल करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। मिस्टर दास प्रॉमिस्ड दिस इंक्रीज वुड बी रिव्यूड ऑन सेप्टेम्बर 8 और अर्लियर। तो उन्होंने कहा कि सेप्टेम्बर 8 या पहले ही इसको हम रिव्यू कर देंगे टू इंश्योर एडिक्वेट लिक्विडिटी, ताकि जो है बैंकिंग सिस्टम में सफिशेंट जो मनी सप्लाई है वो अवेलेबल हो फेस्टिव सीजन में, क्योंकि उसमें लोग लोन लेते हैं, जो है नई परचेजेस करते हैं, तो उसके लिए मनी अवेलेबल हो, तो इसीलिए सितंबर 8 पे ये डिसीजन को रिव्यू किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए बैंक्स को एक्स्ट्रा ज़्यादा मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा आरबीआई के पास। स्टिल गिवन द एमपीसी सैंग्विन आउटलुक ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, इट हैज़ नॉट ओनली रिटेन्ड इट्स फोरकास्ट फॉर द जीडीपी टू एक्सपैंड बाय 6.5% इन रियल टर्म्स इन 2023-24, बट ऑल्सो स्टक बाय इट्स जून प्रोजेक्शंस फॉर ग्रोथ इन ईच ऑफ द फोर क्वार्टर्स। तो अब जो आरबीआई का जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का जो आउटलुक है, जो उनका व्यू है, ओपिनियन है, वो सैंग्विन यानी कि वो इट इज़ ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव आउटलुक है जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का है, कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। कैसे? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जीडीपी जो है वो एक्सपैंड करेगी 6.5% से 23-24 में, इस फाइनेंशियल ईयर में, उन्होंने पहले उसमें कोई चेंज नहीं आया है, इन्फ्लेशन का जो प्रोजेक्शंस थी उसमें चेंज आया है, लेकिन जो जीडीपी की प्रोजेक्शंस थी उनको उतना ही रखा गया, यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनके अकॉर्डिंग जो ग्रोथ है वो अच्छी रहेगी, और वो 6.5% रहेगी इन रियल टर्म्स, ठीक है। एक होता है नॉमिनल जीडीपी, यानी कि जीडीपी क्या होता है, कि कितने गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं कंट्री में एक साल में, ठीक है, आप उन सब की वैल्यू ऐड कर दो, लेकिन इन्फ्लेशन भी तो होती है, तो अगर यानी महंगाई भी तो होती है, हर साल धीरे धीरे जो है उस मनी की वैल्यू कम होने लगती है, क्योंकि अपने आसपास हर चीज़ों के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो रियल टर्म्स का मतलब क्या है, कि अगर हम जो नॉमिनल जीडीपी है उसमें से हम अगर इन्फ्लेशन को हटा दें तो फिर हमारे पास बचती है रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी जो इंक्रीज़ होगी वो 6.5% होगी 23-24 फाइनेंशियल ईयर में, और जो आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इट स्टक बाय इट्स जून प्रोजेक्शंस, तो वो अभी भी स्टिक कर रहे हैं, वो अभी भी जो उन्होंने जून में फोरकास्ट की थी वो उस पर अभी भी कायम है, कि जो ग्रोथ होगी वो हर क्वार्टर में जितनी उन्होंने कहा था उतनी ही होगी, ठीक है। द इन्फ्लेशन शॉक नॉट विदस्टैंडिंग, भले ही नॉट विदस्टैंडिंग मतलब भले ही इन्फ्लेशन अभी बढ़ रही है, लेकिन हर क्वार्टर में जो उनकी प्रोजेक्शंस थी, जो उनके उन्होंने एस्टिमेट किया था कि इतनी ग्रोथ होगी, वो अभी भी यही कह रहे हैं कि इतनी ही ग्रोथ होगी। टू बी श्योर द एमपीसी हैज़ फ्लैग्ड सेवरल रिस्क्स टू द इन्फ्लेशन आउटलुक, लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने कुछ चीज़ें कुछ रिस्क्स पॉइंट आउट किए हैं, जो कि इन्फ्लेशन के जो प्रोजेक्शंस हैं उनको थोड़ा चेंज कर सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर में कुछ इवेंट्स हैं जो इन्फ्लेशन को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि कुछ रिस्क, जैसे द इनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन दिस ईयर, कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई, कुछ जगह पर कम हुई है, तो जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई है वहाँ फूड प्रोडक्शन अफेक्ट होगी फ्लडिंग की वजह से, जहाँ कम हुई है वहाँ पर सूखे की वजह से फूड प्रोडक्शन अफेक्ट होगी, तो उसका एक रिस्क है। द रीसेंट अपटेक इन क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे, अगर वो बढ़ेंगे तो फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएंगी, तो वो भी इन्फ्लेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये इंडियन बास्केट, हम जो क्रूड ऑयल के बास्केट है, ठीक है, उसमें उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्रूड ऑयल प्राइसेस उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिया में क्रूड ऑयल प्राइसेस कितने हैं, तो वो इस अभी तक 7% बढ़ा है।
ठीक है, इस क्वार्टर वो 7% इंक्रीज हो गया. एंड एंटरप्राइजेस पोल्ड बाय द आरबीआई एक्सपेक्ट आउटपुट प्राइसेस टू हार्डन. और जो आरबीआई ने जो एक सर्वे किया तो उसके उसमें जिन एंटरप्राइजेस जिन बिजनेसेस ने पार्टिसिपेट किया उनकी ये उनको ये लग रहा है कि जो आउटपुट प्राइसेस हैं जो जो भी वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं सेल कर रहे हैं तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में वो प्राइसेस हार्डन हो जाएंगे यानी कि बढ़ जाएंगे. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो रिस्क हैं अभी भी इन्फ्लेशन को लेकर. एंड वाइल मिस्टर दास एंड हिज कलीग्स ऑन द एमपीसी हैव रीअफर्म्ड देयर रेडीनेस टू टेक पॉलिसी एक्शंस इन ऑर्डर टू अलाइन इन्फ्लेशन टू द टारगेट. अभी हमने ये बात की थी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कहा है कि वो कमिटेड है जो 4% इन्फ्लेशन टारगेट है उसको अचीव करने के लिए. And ensure that inflation expectations remain well anchored. How quickly policymakers actually walk the talk and intercede in the coming months will determine their inflation fighting mettle. यहाँ कहा जा रहा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स हैं उन्होंने इस ये रीअफर्म किया कि वो रेडी हैं कि जैसे ही कोई भी रिस्क होते हैं तो वो एक्शन लेने के लिए रेडी हैं. जैसे कि हमने कहा अभी कि सीआरआर में जो उस पर भी डिसीजन लिया जाएगा सितंबर में कैश रिजर्व रेशियो में. ठीक है, तो लेकिन देखना हमें क्या है कि कितनी जल्दी पॉलिसी मेकर्स जो हैं वॉक द टॉक यानी कि जो वो कह रहे हैं ठीक है उसको वो सही में वो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं, कितनी जल्दी इम्प्लीमेंट कर पाते हैं ये देखना होगा. ठीक है, और इंटरसीड मतलब इंटरवीन कर पाते हैं, इन्वॉल्व हो पाते हैं. अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो कितनी जल्दी एक्शन लेते हैं, ठीक है, वो डिटरमाइन करेगा कि वो उनके जो इन्फ्लेशन फाइटिंग जो कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो कितना इन्फ्लेशन को टैकल कर सकते हैं, इन्फ्लेशन से कितना फाइट कर सकते हैं, वो हमें पता चलेगा कितनी जल्दी वो एक्शंस लेते हैं उससे. तो मेटल क्या होता है कि कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है उसको आप कितना ब्रेवली आप फेस करते हो. ठीक है, तो वो इन्फ्लेशन फाइटिंग में उनका कितना कैलिबर है वो इसी चीज़ से पता चलेगा कि वो कितनी जल्दी एक्शंस लेते हैं फ्यूचर में. ठीक है, तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर ये हमारा एक एडिटोरियल था. ठीक है, हमने बहुत सिंपल बहुत बेसिक्स हमने कवर किए हैं ताकि ये इतना है कि आप समझ सकते हैं कि एडिटोरियल में क्या कहा गया है. लेकिन इनडेप्थ आपको इनडेप्थ अगर आपको समझना है तो आप प्रैक्टिस मॉक के आप जनरल अवेयरनेस सेक्शन में वो आप फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हमने कवर किए इस बार वो कंसीड हम पहले कवर कर चुके हैं, प्रोजेक्ट पहले कवर कर चुके हैं. ठीक है, हमने जो अनमूवर था जो हमने पहली बार कवर किया. ठीक है, एंकर स्टैंड हम कर चुके हैं. एकोमोडेशन एक इकोनॉमिक टर्म है जहाँ पर मतलब है कि मनी सप्लाई को जो है बढ़ाना. ठीक है, विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन मनी सप्लाई को कम करना. ओके, इम्पोज नॉट ये सब हम ये वर्ड्स देख चुके हैं. लिक्विडिटी एक इकोनॉमिक्स का टर्म है यानी कि जो मनी अवेलेबिलिटी कितनी है इकोनॉमी में वो था. ये हमने फर्स्ट टाइम कवर किया है. सैंग्वीन स्पर हम कर चुके हैं. तो जो वर्ड्स मेटल हमने फर्स्ट टाइम कवर किया. मेटल के लिए आप स्टेडफास्टनेस फोर्टिट्यूड या टेनेसिटी भी कह सकते हो. तो ये वर्ड्स थे जो हमने पहली बार कवर किए. ठीक है, तो आपको इनको रिवाइज करना है और जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे उतना अच्छा है. जब भी कोई वर्ड मिले जो आपको नहीं पता नोट डाउन करना है, उसका मीनिंग सर्च करना है. ठीक है, ऐसे ही ये बेस्ट वे है अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने का. तो जैसा कि मैंने कहा कि अभी इंडिपेंडेंस सेल लाइव है तो आप IND20 कोड यूज़ कर सकते हैं अगर आप जो वीडियो कोर्सेज हैं वो सब्जेक्ट वाइज परचेज कर रहे हैं. जैसे कि अगर आप क्वांट का या रीजनिंग का कोर्स या फिर इंग्लिश या जनरल अवेयरनेस का कोर्स इंडिविजुअली परचेज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं. और IND20 यूज़ करके 20% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं. सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.